हेलो सो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम लोग करेंगे बिग बॉस के कुछ फनी मीम्स पर रिएक्ट। बिग बॉस 17, जी हाँ, बिग बॉस 17 के हमको विनर मिल चुके हैं, मुनव्वर फारूकी। तो अब चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ओ भाई मोए मोए ईशा का तो मोए मोए हो गया भाई। मतलब सलमान सर जब भी इसके लिए गाना गाते थे ना, आएगा आएगा, तो ईशा शॉक हो जाती थी। अब कौन सा आने वाला है, अब कौन सा आने वाला है। 13 साल की एज में मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। अब वो गर्लफ्रेंड बताऊं मैं क्या था? वो उसकी माँ के साथ। 13 साल की एज में पहली गर्लफ्रेंड, सीरियसली मुनव्वर भाई? पर फिर भी यार, मतलब आजकल के बच्चे तो खैर शादियां भी कर रहे हैं 12-13 साल की एज में। ठीक है, चलता है, गर्लफ्रेंड चलता है, चलता है भाई, बिल्कुल चलता है। माँ के साथ मेरी दुकान के बाहर में बैठा, उसकी माँ अगर गुजरे ना, उसकी माँ आगे चली जाए और ये थोड़ी स्लो हो जाए और पीछे मुड़ के खाली। विक्की भाई, विक्की भाई को ज्यादा खुशी होती है इन चीजों से। डेढ़ साल तक यही हो रहा है और ये काफी है पूरे मोहल्ले में, ये बोल रही है। भाई बॉयज मूव ऑन नहीं कर पाते, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर पाते, पर एक होता है कि जो सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो मूव ऑन इतनी इजीली नहीं कर पाता है। एंड अभिषेक जो रोया था भाई, जो वो रोया ईशा के जाने पे, मतलब वैसे तो वो नॉर्मली वैसे भी रोता ही रहता है, बट ईशा के जाने के टाइम पर जो वो रोया ना, सब लड़के रिलेट कर सकते हैं इस चीज से। अभी ज्यादा मोमेंट्स तेरे को बताने की किस की मैं ना हो चुका हूँ। तू है गुठली और मैं हूँ आम, वाह। यार मतलब इसकी लाइंस देखो, यहाँ से भी कितनी सुंदर लग रही हो, मतलब कुछ भी कहो, फ्लर्ट तो तगड़ा करता था बंदा। लुटपुट गया मैं तो, लुटपुट गया मैं तो गया। भाई कुछ भी कहो, मस्त तो लगते थे दोनों एक साथ में, मतलब क्यूट तो लगते थे दोनों। होनी चाहिए एक जोड़ी, तो इन दोनों की भी होनी चाहिए। नहीं, I think हम दोनों एक दूसरे के टाइप के नहीं है। भूल मुझको तू कहीं ना मिले। 780K हो गए। 780K फॉलोअर्स की बात चल रही है। 180 बढ़े तो 2 लाख बढ़े ना। क्या क्या कर लिया है ऐसा? तो 2 लाख कम होने वाली थी। मुझे लोगों ने बताया कि आप शांत रहिए। पूछ नहीं बताया भाई। अरुण भैया, माइक उतार के बहुत बातें करी है। कर तुझसे मैं माइक रख के बात ना करूँ अब
अपने आप को हम मैंने सोचा मुझे कोई इज्जत नहीं देता तो मैं देना चाहता हूँ अपने आप, तो मैं अभी हम बोलूंगा आपसे, खुद से आपसे बात करूंगा कि आप बहुत पिंपल आ चुके आपको मिरर में देख के, कि जब कोई और इज्जत नहीं दे रहा तो मैं इज्जत देना चाहूंगा। बॉडी शेप कर रहा है, हाँ बॉडी शेप कर रहा है, फोड़ा है तू, फोड़ा पिंपल फोड़ा है तू, फोड़ा पिंपल। भाई खुद को इज्जत दे लें, दुनिया तो इज्जत दे नहीं रही है, तो खुद को इज्जत दे लो थोड़ी सी। अच्छा मौका है कि जब होस्ट भी करना है और दिल की बात भी कहना है, तो मैं सोचा कि आज मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ करूं। विक्की जैन, पत्नी तो पति की ताकत होती है रे, तूने तो मुझे हैंडीकैप ही कर दिया। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, मतलब मजाक नहीं, सच बोल सकता हूं ना, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और जो उसके एक्शन में दिखाई देता है, जैसे शूज फेंक कर मारना, प्यार प्यार से हाथों से मारना, और अपने ब्यूटीफुल फेस से अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस बनाना मुझे देखकर रोज रोज, और अपने प्यारे प्यारे शब्दों के बाद मुझ पर चलाते रहना, ताना मारना और कंप्लेंस, तो जैसे उसकी आदत सी हो गई है। प्यार से मैं इसे बिजली कहता था, इसने तो सीरियसली ले लिया, अब तो रोज मुझ पर गिर जाती है। मतलब यार इन दोनों की भी अलग ही एक केमिस्ट्री चल रही थी, केमिस्ट्री क्या, इनकी फिजिक्स बायोलॉजी सब चल रहा था, अलग ही सीन था दोनों का। मैंने सुना कि आप लोग में से एक है जो बहुत अच्छा गाती है, कौन है वो? मन्नारा, मन्नारा। ऐसा लगा तुमसे मिल के, अच्छा गा रही है, मुझसे तो बहुत अच्छा गा रही है, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कितनी तगड़ी सिंगर हूँ। मतलब मेरे साथ जो इशू है ना वो ये है कि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, मैं हर टाइम गाने गुनगुनाती हुई मिलूंगी आपको, बट मेरी आवाज लाइक अ फटा बांस, जी हाँ कप कप आती है मेरी आवाज, तो मेरा पैशन पैशन रह गया। भाईचारा ऑन टॉप, भाई एक भाईचारा देखने को मिला था बिग बॉस OTT सीजन 2 में एल्विश और अभिषेक के बीच में, और एक भाईचारा हमें यहाँ देखने को मिल गया अभिषेक और मुनव्वर के बीच में। मतलब जो इन लोगों ने अपना अपना स्टैंड लिया है भाई, मतलब मेरे भाई से तो कह कैसे देगा, भाईचारा ऑन टॉप है। बहुत तगड़ी एक्टिंग करी थी अभिषेक ने इसकी, बहुत तगड़ी। अच्छा मतलब मैंने ना एक चीज देखी है कि अगर आप अंकिता के बारे में कुछ भी कहोगे ना, उस बंदी का तुरंत मुंह बन जाता है, हर चीज को वो अलग डायरेक्शन में लेके जाती है, लेकिन अगर आप उसकी तारीफ करते रहोगे भाई, आपको वो बंदी कभी भी बुरा नहीं बता सकती है, और जहां आपने उसके खिलाफ दो शब्द बोले वो उसके फेस पर दिख जाता है कि हाँ अब इसे बुरा लगना स्टार्ट हो चुका है। Aura heard something bad words in India, they seems like he won't react. Say I am captain, you are not scared. कुछ बुरा लगा बस बस एक यही चीज थी अंकिता की जो मुझे अच्छी लगती थी, कि वो मतलब एक फैमिली की तरह, एक अपने की तरह ट्रीट करती थी किसी के डाउनफॉल में, उसके अलावा उस बंदी में इतना कुछ अच्छा था नहीं। Efforts from both side matters. यार इनकी ना एक प्योर फ्रेंडशिप दिखाई दी थी,
और यार कोई भी हो, मनारा को मतलब ऑब्सेस्ड बोला जा रहा था बहुत ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा मुनव्वर से ऑब्सेस्ड है, तो यार एक सीधी सी बात है, नॉट फॉर ओनली गर्ल, कि अगर लड़का भी है, अगर आप स्टार्टिंग में किसी को किसी के फ्रेंड हो और फिर कोई दूसरा इंसान आ जाता है, आपका फ्रेंड सडनली उसकी तरफ हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको हर्ट होगा। वही चीज़ इसको हुई थी, बस हाँ इसने थोड़ा सा ज़्यादा उस चीज़ को दिखा दिया था कि हाँ इसे बुरा लगा है। मतलब ऑब्वियसली हम लोग अपने जज्बात छुपा लेते हैं, मनारा में ये चीज़ नहीं है, मनारा अपने जज्बात नहीं छुपा पाई थी। Do you want the Munawwar who is standing next to you in the finals? वो चाहिए है क्या फाइनल में? Yeah, yeah, मतलब कितने प्यार से देखते हैं ना एक दूसरे को। आइए। बताइए क्या फैसला लिखा है आपके लिए? अब ये जो चिल्लाने वाली है भाई, मुझे पक्का यकीन है ये बंदी चिल्लाएगी। अभिषेक भी बहुत खुश था, मुनव्वर भी लाइक मेरे कान मत फोड़ मनारा प्लीज। नहीं अब तो बिग बॉस ने भी रोस्ट कर दिया। यस बिग बॉस, सच में हो रहा है, मुझे खेलना था, जेन्युइनली खेलना था, जेन्युइनली खेलना था। काश आप इस बात को समझ पाते कि ये सीजन सिर्फ कार्यों का था ही नहीं। मोए 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 मोए, भाई जब तुझे जेन्युइनली खेलना था तो क्यों छुपा रही थी सारे मसाले और ये सब, क्यों छुपा रहे हो भाई? अब हुआ क्या एंड में, चारों एलिमिनेट हो गए, क्या मिला, कुछ मिला? चिंटू एंड विकी हैज प्रूव्ड दैट मैन बीइंग मैन। आप भी क्यूट हो। भाई ये दोनों चिंटू एंड विक्की, मतलब कि आप भी क्यूट हो। एक बिस्किट दे दो भाई जाने से पहले, बिग बॉस चिंटू के साथ मोए मोए हो गया। मैंने पहले रिक्वेस्ट डाली थी प्लीज। नील आपको क्या रिक्वेस्ट की जरूरत है, आप ही की तो दुकान है। मुझे भी एक बिस्किट मिल सकता है? देखो यस सर, जरूर बिस्किट लीजिए। तो बिग बॉस की खुशी में बिस्किट ले सकता हूँ क्या? कतई नहीं। ओ भाई मोए मोए हो गया चिंटू के साथ। यार मतलब बहुत गलत किया जा रहा था, एक तो उसका नाम बिगाड़ दिया बंदे का, समर्थ कितना अच्छा नाम है, और उससे फिर चिंटू रख दिया, उसके बाद भी पता है बिस्किट जैसी चीज के लिए उस बंदे से मना कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। और अगर आपको बिग बॉस OTT 2 सीजन का पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, बाय।